आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक हैं। आज का जो डिजाइन है ये देखिएगा, इन तीन कलर के साथ बनने वाला है। तीनों ही कलर बिल्कुल लाइट लाइट हैं, लाइट पीच, बेबी पिंक और ये वाइट। आज तीनों के इन्हीं को मिला के हम एक प्यारा सा यूनिक सा एक डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें दो दो फंदों के मल्टीपल की आवश्यकता होगी। चलिएगा, चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैं व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ बॉर्डर में। ये देखिएगा, दो बेसिक रो निकाल ली हैं। अब यहाँ से जो रो निकालने जा रही हूँ वो मेरे डिजाइन की है। ये इसमें मैं दो, एक उल्टी और एक सीधी, दो रो निकाल लूँगी। बिल्कुल उल्टी और सीधी, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, दोनों रो को निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ इस तरीके से। ये देखिएगा, दो रो निकल चुकी हैं। दो रो और निकाल लूँगी इसमें, एक उल्टी एक सीधी। चार रो के बाद फिर हम दूसरा कलर अपना चेंज करेंगे इसमें। चलिएगा, कर लेते हैं इनको भी, दोनों रो को बना के कंप्लीट इस तरीके से। अब ये देखो, चार रो बन के कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी, जो मेरा पीच कलर लगाऊंगी इसमें। आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइट या डार्क से। मैंने वाइट से किया है। देखिएगा, ये एक फंदा एक्स्ट्रा मैंने बना लिया। ये डिजाइन का फंदा है मेरी, दो फंदे डिजाइन के बनाए, जो ये वाला फंदा है और ये वाला, इसके बीच में से एक दो तीन, यहाँ से हम अपना तीसरे वाले में, ये देखिएगा, एक छोटा मैंने धागा, दो और ये तीन, तीन के बाद यहाँ पे एक मैं लूप निकाल लूँगी इसमें से, नहीं एक फंदा निकाल लूँगी ऐसे, हल्का सा लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। और दो फंदे बनाएंगे पीच कलर से, ये देखिएगा। अब यहाँ दो के बाद फिर एक दो तीन, यहाँ तीसरे वाले में, दोनों फंदों के बीच में इस तरीके से दो फंदे बनाएंगे, एक और ये दो। ये देखिएगा, ये फंदा इधर है, ये इधर है, इन दोनों के बीच से कर रही हूँ, एक दो और ये यहाँ पे तीन, इस तरीके से दोनों फंदों को बनाएंगे। इसको जब हम निकालेंगे तो हल्का सा लूज निकालेंगे, टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे। बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा ये डिजाइन बनता है, बिल्कुल इजी है बनाना। लास्ट में भी आपके तीन फंदे आने चाहिए सही। ये देखिए इस तरीके से उल्टी साइड है, उल्टी साइड इन्हें दोनों फंदों को बनाएंगे हम। जो हमने लूप बनाया उसको स्लिप करेंगे, देखिएगा इस तरीके से तीन फंदे बनाए, इसको हम स्लिप करेंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा, कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से। अब इसकी पीच वाले की थर्ड रो है, ये दो फंदे हमने बनाए। अब इसको हमें क्या करना है, ये देखिएगा, यहाँ इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, जो स्लिप वाला है, और दोनों फंदों को बनाएंगे। और जो हमने फंदा बनाया था स्लिप वाला, ये देखिएगा लूप बना था, इनके ऊपर से हम उतार देंगे ऐसे, इस वाले को इधर ले आएंगे ऐसे, बीच वाले दोनों फंदों को बना लेंगे, एक और ये दो, और इसको इसके ऊपर से हम उतार देंगे इस तरीके से। इसको इधर ले आएंगे, पहले बीच वाले को दोनों को बनाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर से उतार देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, ये देखिएगा इस तरीके से।
ये इनके ऊपर से उतार दें। पूरी रो को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। लास्ट में भी दो फंदे आने चाहिए, स्टार्टिंग में भी दो आए थे। ये देखिएगा इस तरह से बन के कम्प्लीट होगी। उल्टी रो है और उल्टी साइड से इसे पूरी रो को हम फोर्थ रो को उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेंगे। चलिएगा कर लेते हैं। ये देखिएगा इस तरह का इसका लुक आया है। अब इसमें हम अपना थर्ड कलर लगाएंगे जो हमारा पिंक है, बेबी पिंक ये वाला। हल्का सा टाइट करेंगे, ये देखिएगा इसको भी हम, ये देखिएगा इसी तरह से दो फंदे बना लेंगे। ये देखिए ये एक्स्ट्रा दो फंदे बना लिए। और जो ये थर्ड वाला है बिल्कुल सेम यहीं से इसमें से ही निकाल लेंगे इस तरीके से। दो फंदे बनाएंगे अपने, एक और ये दो, ये थर्ड वाले के बीच में से यहाँ से एक दो, बिल्कुल ऐसे। देखिएगा इस तरीके से, ये देखो ध्यान से देखना, ये एक फंदा बनाया, ये दो बनाया, ये यहाँ पे है, इसके यहाँ बीच में से एक दो तीन, तीसरे वाले में से हम ये देखें एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, और जो ये तीसरे वाला है इसमें से निकाल के लाएंगे ऐसे, ठीक है। और दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से यहाँ एक दो और ये तीन, ठीक है ऐसे निकालना है। एक धागा छोड़ा, दो और ये तीन, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये इसकी उल्टी साइड है। उल्टी साइड हम जो फंदे हमने बनाए हैं उनको बनाएंगे, और जो लोअर हमने एक फंदा स्टार बनाया था उसको स्लिप करेंगे। ये देखिए ऐसे दो फंदे बनाएंगे, एक को हम स्लिप करेंगे जो हमने निकाला था एक्स्ट्रा फंदा। चलिएगा कर लेते हैं इस तरह से पूरी रो को। ये देखिएगा थर्ड रो में फिर सेम करेंगे जैसे उसमें किया था, दो फंदे बनाएंगे। ये देखिएगा दो बनाए और इस वाले को हम इधर लेके आएंगे पहले, और दो फंदे बनाएंगे और इसके ऊपर से ये उतार देंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे लेके आएंगे, दोनों को सीधा बनाएंगे, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरीके से। बहुत सुंदर और बहुत इजी सा ये डिजाइन लगता है। सिर्फ चार चार रो में आप रिपीट करते जाना और कलर चेंज करते जाना। ये इस तरीके से इसी तरह से पूरी रो को बनाते हुए जाएंगे। ऐसे दोनों फंदों को भी बना लेंगे। अब ये पिंक वाले से फोर्थ रो है, और फोर्थ रो भी इसकी हम पूरी उल्टी उल्टी बना के ही कंप्लीट करेंगे। सिर्फ चार चार रो बनानी है हमें और कलर चेंज करना है, बाकी डिजाइन सेम बनता हुआ जाएगा। चलिएगा कर लेते हैं इसको भी।
ये देखिएगा इस तरह का बनेगा। अब इसको हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। जब ये आप चार चार रो बनाते जाओगे तो आपका ये इतना खूबसूरत सा, जब हम ये चार चार रो एक कलर से बनाते जाएंगे तो ये इतना खूबसूरत सा और प्यारा सा डिज़ाइन हमारा बनता हुआ जाएगा। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो या आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब